और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे आम चुनाव की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। वोटरों को लुभाने के लिए नेता लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जंग 2019 की है, जनादेश 2019 के लिए लड़ाई जारी है। दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका पता भले ही 23 मई को काउंटिंग के बाद चले, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लुभावने वादे जुबानी जंग वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपना रहे हैं। कोई खेत में गेहूं काट रहा है तो कोई ऑटो चलाकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मथुरा में गेहूं की फसल पक चुकी है, महिलाएं गेहूं की कटाई कर रही है। देश में इस वक्त फसलों की कटाई के साथ साथ वोटों की फसल को भी काटने का वक्त आ गया है, लिहाजा वोट बटोरने के लिए नेता अब सड़कों से खेतों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मथुरा में रविवार को गेहूं की कटाई कर रही महिलाओं ने जब अपने साथ ड्रीम गर्ल को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तपती दोपहरी में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी महिलाओं के बीच पहुंची, उनसे हालचाल पूछा और लगे हाथ हंसिया लेकर गेहूं भी काटने लगी। मथुरा में मतदान के लिए अब मात्र 17 दिन बचे हैं। प्रचार के लिए तो मात्र नेताओं के पास एक पखवाड़े का ही समय है। यहां पर 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देश की वीआईपी सीटों में शुमार मथुरा में प्रचार टॉप गियर पर है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को इस बार गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। एसपी बीएसपी और आरएलडी ने इस सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने मथुरा सीट से महेश पाठक को टिकट दिया है। मतलब काटने का मैंने कोशिश किया, कैसा कटता है इस, हम लोग इसका आदि नहीं है। जब मैं ऐसा गांव में जाती हूँ, वैसे भी पिछले 5 साल में भी कभी कभी बीच में जाती थी, आज एकदम ऐसा गोल्डन कलर का जो गेहूं का जो सुंदर सा दिख रहा था उसके साथ मुझे बहुत ही मन लग रहा था मैं भी जाकर थोड़ा सा कुछ करूँ, तो वैसे मैंने किया। इस बार भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमाने के लिए लोकसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को पार्टी ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। मातोंडकर को भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी के खिलाफ उतारा गया है। उर्मिला गुरई क्षेत्र के ऑटो चालकों के साथ दिखी। बताया जा रहा है कि गुरई में कांग्रेस ऑफिस जाने के दौरान उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनसे वोट देने की अपील भी की। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जी जाएंगे हम लोग अगर संग है। देखिए मुद्दा एक ही है, मेरा पहले से था अब भी है, लोकशाही का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, अपने हक का मुद्दा है और वो लोगों से छीना जा चुका है। और मैं अलग से ये बातें नहीं करूंगी, मैं उनसे वही बातें करूंगी जो उन्हें पता है, सिर्फ मैं उन्हें उनकी याद दिला के उन्हें उसके आधार पे वोट देने पे मजबूर करना चाहती हूँ। जाहिर है आम चुनाव में अभी ग्लैमर देखने को मिल सकता है। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ भी 2019 के रन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अविनाश तिवारी के साथ प्रीति चौधरी, नोएडा, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।